हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा सिंह आज बनाने जा रही हूँ साबूदाने के पापड़। ये पापड़ बनाना बहुत ही इजी है, इसको हम व्रत में भी खा सकते हैं, इसलिए मैं इसमें सेंधा नमक डालूंगी। इसके लिए मैंने इस कटोरी के नाप से एक कटोरी साबूदाना, दो कटोरी पानी में भिगो करके रखा था और ये 24 घंटे मैंने भिगोया है। ये देखिए फूल कर गई, ये इस तरह से हो गया है, बिल्कुल सारे दाने जो हैं इसके अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए। अब मैं इस साबूदाने को एक कढ़ाई में डालकर पकाऊंगी। मैंने इस साबूदाने में 2 कटोरी पानी डाला हुआ है और मैं इस साबूदाने को अब इसमें डाल रही हूँ। इसमें मैं स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाला है, सेंधा नमक, और 2 छोटे चम्मच जीरा। इसको पकाने में ध्यान रखना है कि इसको हमें लगातार चलाना है, ये बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाता है और ये पापड़ बनाना बहुत ही आसान है। अब मैं इसमें 1 कटोरी पानी और डालूंगी। इस तरह से मैंने टोटल 3 कटोरी पानी डाला है। अब देखिए इसको लगातार इस तरह से चलाते हुए पकाना है, थोड़ी देर में ही ये 5 से 10 मिनट में पककर तैयार हो जाएगा। साबूदाने को मैं लगातार चला रही हूँ ताकि ये तले में लगे नहीं। या तो आप कोई भारी बर्तन लीजिए जिसका हैवी बेस हो, और या फिर कोई नॉन स्टिक कढ़ाई लें, उसमें अच्छे से ये पक जाएगा। अब ये धीरे धीरे अपना कलर बदलना शुरू कर देगा। इसको पकाने में लगभग 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। ये देखिए ये इस तरह से पकने लगा है और इसका देखिए आप कलर भी कितना बदल गया है। हमें इसको इतना पकाना है कि इसमें पानी नजर ना आए और ये सब एक सार हो जाए। अभी मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगा। देखिए ये इस तरह से पक रहा है साबूदाना। अभी मैं इसको और पकाऊंगी 5-7 मिनट। ये साबूदाना पक चुका है। अब मैं गैस बंद करती हूँ और 5 मिनट इसको ठंडा करूंगी, तब हम इसके पापड़ बनाएंगे। ये देखिए ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो गई है। अब मैं इसके छोटे छोटे पापड़ बनाऊंगी। इसके लिए मैंने एक प्लास्टिक का मेजपोश बिछा रखा है, उसको अच्छे से साफ करके अब मैं उस पर थोड़े छोटे छोटे पापड़ बनाती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से प्लास्टिक बिछा रखी है और मैं इस पर ये पापड़ डालूंगी। इसी तरह से हम सब पापड़ बिछा लेंगे। ये थोड़े से मोटे फैलाए जाते हैं, सूखने के बाद काफी पतले हो जाते हैं। इसी तरह से मैं पूरे साबूदाने के साथ पापड़ बना लूंगा। ये देखिए सब पापड़ मैंने इस तरह से बना दिए हैं। अब इनको आप, अगर आपके यहाँ धूप है तो अच्छे से 2 दिन तक सुखाइए। मेरे यहाँ धूप नहीं आती है इसलिए मैं पंखे की हवा में इनको सुखा रही हूँ। 2 दिन में ही सूख कर तैयार हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो पापड़ बना रखे हैं वो किस तरह से सूखने के बाद दिखते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से ये पापड़ बनाए थे, जैसे मैं अभी फैला करके आ रही हूँ, और ये सूखने के बाद देखिए इस तरह से हो जाते हैं, कितने पतले हैं और ट्रांसपेरेंट हैं। अब मैं इनको आपको तल कर दिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने तेल हाई फ्लेम पर खूब तेज़ गर्म किया हुआ है। ये तेज़ ऑयल में फ्राई करे जाते हैं। देखिए मैं अब एक पापड़ तेल में डाल रही हूँ।
ये देखिए पापड़ डबल साइज का हो गया है सीखने के बाद। अब मैं इसी तरह से एक पापड़ और तलती हूँ। ये पापड़ खाने में बहुत हल्के होते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। इनको आप व्रत में भी खा सकते हैं। इनको ठंडी आग में नहीं डालना है। ठंडी आग में डालने पर ना तो ये फूलेंगे और ना ही ठीक से सीखेंगे। ये देखिए पापड़ सीखने के बाद कितने सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए, और खूब क्रंची हैं। आप इनको बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरी रेसिपी को, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।